नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 50% से अधिक छात्र फेल हो गए। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। डीएलएड की परीक्षा में 36% उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा बच्चे इस बार फेल हुए हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा बच्चे फेल हो गए। तो मतलब साफ है दोस्तों कि 64% बच्चे फेल हो गए हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर दोस्तों आप इसमें 36 जोड़ देंगे तो ये आपका 100 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 64% बच्चों को फेल कर दिया गया। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए यूपी टेट को लेकर एक और बड़ी अपडेट। अगर आप यूपी टेट में आवेदन करना चाहते हैं तो आज अंतिम दिन होगा आपके पास यूपी टेट में आवेदन करने के लिए। यूपी टेट 2021 के लिए दोस्तों 11.64 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट, एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने भी किया आवेदन। डीएलएड की परीक्षा में 236% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो आज की सारी बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आपका देखिए द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमने लिंक दे रखा है जहां से आप जाकर तुरंत अपना रिजल्ट पहले डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारी प्रथम, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की बात। जी हाँ दोस्तों, इस समय छात्रों की टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है कि अब हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भी चतुर्थ सेमेस्टर में लगभग 50% बच्चे फेल हुए थे। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। मतलब अब सभी बच्चों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि यार हम पास होंगे या फेल। सभी के आगे दोस्त एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, तो गाइस हम कह सकते हैं डीएलएड छात्रों के साथ दोस्तों धोखा हो रहा है कि इतने बच्चे एक साथ कैसे फेल हो रहे हैं। क्या जो हमारा देखिए पहली बार जो द्वितीय सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ सभी बच्चे अपना बैक का पेपर दिए थे। उसके बाद दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का फेल होना सवाल दोस्तों यहाँ पर खड़ा करता है। और देखिए उसके बाद ये भी सवाल है कि हमारी बैक की परीक्षा कब होगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सब अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई, पीसीएस 2021 प्री परीक्षा, आधे से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने पेपर को छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट वाली अपडेट। तो मतलब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे दोस्तों आज की सभी बड़ी अपडेट को आप देख पाएंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जिन बच्चों की बैक लगी है या जिन बच्चों के रिजल्ट में फेल लिख कर आ रहा है, तो फेल छात्रों का क्या होगा? क्या दोस्तों इन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा? क्या इन बच्चों का थर्ड का पेपर होगा या क्या इन बच्चों को अपना पहले सेकंड का बैक पेपर देना पड़ेगा? जो भी आपका सवाल है सारे उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दें, अभी दोस्तों पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस का इंतजार किया जा रहा है कि अब पीएनपी दोस्तों अगला फैसला क्या लेगी। लेकिन जो हमारा रिजल्ट सुपर फास्ट तरीके से जारी हुआ उसका मेन रीजन क्या था कि छात्रों को यूपी टेट में मौका मिलना। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो ऐसे क्या है कि अगर आप यूपी टेट का पेपर देना चाह रहे हैं तो दे जरूर लेंगे, लेकिन वो पेपर वैलिड होगा कि नहीं, सवाल दोस्तों यहां पर था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। तो पहले चलिए न्यूज़पेपर की अपडेट को आपके सामने रखा जाए। बीटीसी 2015, डीएलएड 2017, 18 एवं 19 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम रविवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। 12 से लेकर 14 सितंबर तक हुई परीक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2018 एवं 2019 बैच के 80,000 से ज्यादा प्रशिक्षु पंजीकृत थे। इनमें से दोस्तों 28,652 अभ्यर्थी मतलब 35.77% बच्चे ही उत्तीर्ण हो सके। 2019 बैच के पंजीकृत 63,705 प्रशिक्षुओं में से 61,737 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से दोस्तों 23,853 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और दोस्तों 37,884 अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों ये पूरा मामला है। वही दोस्तों 2018 बैच के पंजीकृत छात्रों की संख्या 16,000 से ज्यादा थी। ठीक है, और इतने बच्चे पेपर दिए थे और जिनमें से दोस्तों 4,799 बच्चे उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। उत्तीर्ण प्रशिक्षु अब यूपी टेट में आवेदन के लिए अर्हर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मतलब परीक्षा पास कर ली है अब वो बच्चे यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज ही अंतिम तारीख याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों आज आपने यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो फिर आज के बाद आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिले तब दोस्तों आपको तुरंत आवेदन करना पड़ेगा।
तो हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में दोस्त यूपी टेट के लिए भी लिंक दे देंगे, सी टेट के लिए भी लिंक दे देंगे, जो भी मन करे आप आवेदन कर दीजिए। सी टेट और यूपी टेट दोनों की दोस्तों आज लास्ट डेट है, मतलब 25 अक्टूबर, याद रखिएगा ठीक है। अगर आज की तारीख निकल गई तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखिए, ये वाली अपडेट हो गई है। अब यूपी टेट में दोस्तों आवेदन की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रविवार को शाम तक 211,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था, जिनमें से 210,42,092 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। और उसके बाद देखिए 6,44,042 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा होंगे। आवेदन शुल्क 26 अक्टूबर है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख वो 25 अक्टूबर ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर तक आवेदन पूर्ण करने एवं आवेदन का प्रिंट लेने की निर्धारित तिथि है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से दूरस्थ माध्यम से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट ने आवेदन का मौका देने का आदेश दिया है। ऐसे में NIOS से डीएलएड करने वाले यूपी के तकरीबन 1,50,000 प्रशिक्षुओं को आवेदन का मौका मिल गया है। रविवार शाम तक NIOS से डीएलएड करने वाले 2,965 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। तो मतलब हो सकता है कि अभी इन बच्चों को सूचना ना मिली हो, नहीं तो सोचिए 1,50,000 बच्चों में से सिर्फ 965 बच्चों ने आवेदन अभी तक किया। उसके बाद देखिए पीसीएस की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई। पीसीएस 2021 प्री परीक्षा आधे से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने छोड़ दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस, ठीक है दोस्त, ये जो भी है जितने भी पद हैं, तो काफी ज्यादा बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया। तो ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट है। देखिए होता क्या, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पेपर दीजिए, अगर ज्यादा बच्चे पेपर दे दे, देखिए होता क्या, अधिकांश जो बच्चे पेपर दिए होंगे उनकी भी तैयारी जीरो ही रही होगी। अभी आपको बता दें यूपी टेट के लिए तो लाखों बच्चों ने आवेदन कर दिया, लेकिन दोस्तों मुश्किल से 50% छात्र ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो कोचिंग कर रहे होंगे या जो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। बाकी बच्चे बस सोचते होंगे चलो 4 दिन पहले हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे। लापरवाही गाइस मत करिए, शिक्षक भर्ती बार बार नहीं आती। 2018 के बाद अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। सोचिए 2019 में बच्चों का साल बेकार गया, 2020 का साल निकल गया, 2021 भी अब निकलने वाला है। इस साल वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं है, वैकेंसी आएगी तो जनवरी 2022 में आ सकती है, क्योंकि 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर होगा तो 28 दिसंबर को ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, जो कि डेट है फिलहाल, आगे पीछे भी हो सकती है डेट। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व पदों के निर्धारण के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया था। राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बनी समिति में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया था। करीब 2 माह होने को है अब तक इस समिति ने क्या किया यह स्पष्ट नहीं है। विभागीय अफसर भी स्वीकार करते हैं कि भर्ती को लेकर ऐलान हो जाता तो पिछले दिनों प्रदर्शन की नौबत न आती, ठीक है। तो यह दोस्तों पूरा मामला है। तो फिलहाल देखिए अब बात होगी फेल छात्रों को लेकर और डीएलएड रिजल्ट को लेकर। एक बात और पहले आपको बता दे, रिजल्ट के लिए सिर्फ दोस्तों आपके सामने जो अच्छी वेबसाइट है वो आपके सामने रखते हैं, dlredresult.com, DELED, ठीक है, फिर result.com, dlredresult.com। दोस्तों आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो बिल्कुल आसानी से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। और देखिए द्वितीय सेमेस्टर का लिंक हमारा एक्टिवेट हो चुका है, बाकी सेमेस्टर का लिंक किसी भी समय एक्टिवेट किया जा सकता है। तो आप लोग अपना नया वाला रोल नंबर, याद रखिए दोस्तों आप जब पेपर देते हो तो जो न्यू एडमिट कार्ड होता है वही रोल नंबर आप डालेंगे, तभी आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा। 18 बैच के साथ दोस्तों मामला अलग रहता है, लेकिन 19 बैच हो या 17 बैच के छात्रों इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात होगी 50% से अधिक छात्र फेल हुए गए, अब इन बच्चों का क्या होगा। देखिए जिन बच्चों की बैक लगी है, फिर से अगर आप 19 बैच के छात्र हैं या किसी भी बैच के छात्र हैं, तो सबसे पहले दोस्तों उम्मीद है कि पीएनपी अगले महीने, देखिए अब हमारी जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ये कब होगी। देखिए जो बच्चों ने परीक्षा पास कर ली है अब उनके मन में सवाल होगा कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जल्द से जल्द कराया जाए ताकि इन बच्चों को नई भर्ती में मौका मिले। अब दोस्तों पीएनपी के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि जिन बच्चों की बैक लगी है अब उनको ये कैसे, मतलब आगे क्या करेंगे। प्रथम सेमेस्टर प्रमोट हो चुके हैं बच्चे, उसकी टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाली बात तो कहीं आती ही नहीं है। बात आती है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर वाली, कि थर्ड सेमेस्टर में क्या किया जाएगा।
देखिए, अगर जिन बच्चों की एक या दो विषय में बैक है तो उन बच्चों को हो सकता है कि पहले थर्ड का पेपर अभी फोर्थ के साथ ही करा लिया जाए तो बेहतर है, ताकि दोस्तों बच्चों का भविष्य मतलब अंधकार में ना जाए, कम से कम बच्चे पेपर देकर आगे बढ़ते रहें। जी हाँ दोस्तों, यही बात पहले भी हो रही थी कि जो प्रमोट का दोस्त इन्होंने नियम बनाया कि जो बच्चे पास होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब बताइए अधिकांश बच्चे तो यहाँ फेल हो गए। अब दोस्तों पीएनपी क्या करेंगे, लेकिन चलिए कुछ बच्चे पास भी हुए इन बच्चों को फायदा भी मिलेगा, 36% बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन जो बच्चे फेल हुए उनको नुकसान भी तो होगा ना। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, तो देखेंगे जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप लोग पीएनपी के ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें, कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी हमने लिंक दे रखा है, आप चेक करते रहिए। ठीक है, फिलहाल अभी आप डीमोटिवेट परेशान मत होइए कि आप फेल छात्रों का क्या होगा, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन पीएनपी की तरफ से देखने को मिलेगा, और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए कुछ टीचर ऐसे होते जो कॉपी चेक करते, देखिए इस बार फिर से वही बात हुई, कुछ बच्चे कह रहे सर जी हम एक एक नंबर से फेल हो गए, मतलब 11-11 नंबर दिया गया बच्चों को, एक नंबर बढ़ जाता तो 12 हो जाता। तो दोस्तों हो सकता है कि माध्यमिक वाले टीचर या कहीं और की टीचर आए हो, इनको पता ना रहा हो कि पासिंग मार्क कितना है। यही बात दोस्तों हमने पहले कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि जो बच्चे 9 से लेकर 11 नंबर पाते हैं उन बच्चों की बैक ना लगे। फेल होने वाले छात्रों की दोस्तों जो संख्या अधिक, आप इस बार भी देखेंगे 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, यही दोस्तों 3 डिजिट का नंबर आप सबसे ज्यादा बच्चों को देखने को मिलेगा जिन बच्चों की बैक लगती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कुछ बच्चों की बैक बताइए जो 50 नंबर के पेपर उसमें लग जा रही है। चलिए मान लेते कि मैथ में नंबर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है या स्टेप मार्किंग मैथ में होती है, तो टीचर अगर कोई बच्चा 1 या 2 नंबर से फेल हो रहा है तो स्टेप मार्किंग में आधा आधा नंबर करके बढ़ाकर पास कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत दिल इनको बड़ा करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को नई भर्ती में मौका भी मिल सके। इनको पता होना चाहिए टीचरों को कि 1 नंबर या 2 नंबर से फेल करने के बाद बच्चे कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, इनको सोचना चाहिए। लेकिन बड़ी लापरवाही दोस्त इन टीचरों की वजह से बच्चे आज बेहद परेशान है। जो भी दोस्त अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। एक एक नंबर, दो दो नंबर से फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोस्तों काफी ज्यादा है। तो फिलहाल अभी आप लोग परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ अच्छी खबर फेल छात्रों के लिए निकल कर आएगी। अभी आपके पास एक विकल्प जो बचेगा वो स्कूटनी का होगा। जी हाँ दोस्तों, स्कूटनी के लिए बहुत ही जल्द आवेदन लिए जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है यार तो ज्यादा नंबर कम हो गया, देखिए मेन बात है कि रिजल्ट बहुत ही तेजी से तैयार किया गया इस बार, पिछली बार की तुलना में दोस्तों इस बार जो हमारा रिजल्ट बना है वो बहुत ही तेजी से बना है। तो कुछ बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कि रिजल्ट जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो स्क्रूटनी का फॉर्म भरिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी दोस्तों सभी सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के अंत में आप उसको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।